हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार का कहर अब कम होता दिखाई दे रहा है। बीते कई दिनों से भारत में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। पिछले 24 घंटे में ऑल इंडिया कोरोना मीटर बता रहा है कि नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में 1,79,535 नए केस रिपोर्ट हुए। इस दौरान 3,556 लोगों की मौत हुई, जबकि 24 घंटे में 2,64,182 मरीज रिकवर हुए। हालांकि देश में अभी कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद चिंता की बात है, क्योंकि इस वक्त 23,27,541 एक्टिव केस हैं। कोरोना के गिरते ग्राफ के बीच एक्टिव केसेस की संख्या अभी बेहद सावधानी बरतने का मैसेज दे रही है, लेकिन राहत की बात है कि पिछले कई दिनों से नए केसेस की संख्या की तुलना में देश में कोरोना से रिकवर होने वालों की तादाद ज्यादा है। गुरुवार की तरह एक दिन पहले भी कोरोना के नए केसेस की तुलना में रिकवर होने वाले की तादाद ज्यादा थी। 26 मई को नए केस 2,11,000 आए, जबकि 2,83,000 मरीज रिकवर हुए। इसी तरह 25 मई को नए केसेस थे 2,08,700, जबकि रिकवरी हुई 2,95,000 लोगों की। 24 मई को 1,96,427 नए केस रिपोर्ट हुए, लेकिन रिकवर होने वालों की तादाद थी 3,26,850। कोरोना के नए केस 23 मई को 2,22,315 दर्ज किए गए थे, लेकिन रिकवर होने वालों की संख्या थी 3,02,544। 22 मई को भी 2,40,842 नए केस की तुलना में रिकवर होने वालों की तादाद थी 3,55,000। यानी 22 मई से अब तक संक्रमित होने और रिकवर होने वालों के बीच की संख्या में 1,00,000 का फासला आया है। सेकेंड वेव की रफ्तार पर ब्रेक का ये सबसे बड़ा सबूत है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।